हाय, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और प्रोग्रामिंग ऑफ स्टैक की सीरीज में लास्ट टर्म में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। वहां हमने ये अजम्पशन लिया था कि कोई भी पैरेंथेसिस इन्वॉल्व नहीं है। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग उस अजम्पशंस को रिमूव करते हैं और पैरेंथेसिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन में। मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें कि पैरेंथेसिस है और उस पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को अगर मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ सी डिवाइड बाई डी। तो हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो पैरेंथेसिस है उसको भी हम एक ऑपरेटर की तरह से ट्रीट करें। तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं एक्सप्रेशन में वो ये हो गए। जैसे ही मेरे पास कोई ऑपरेंड आएगा, मैं उस ऑपरेंड को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा। जैसे कोई ऑपरेटर आएगा, मैं ये चेक करूंगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो ए है तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है। प्लस आया और ये ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, तो मैं इसको स्टैक में डालू। तो प्लस इज देयर इन दी स्टैक। फिर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है, इसको भी मैं ऑपरेटर मानूंगा और चूंकि स्टैक में ऑलरेडी ये कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो मुझे प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंस मैंने चेक किया स्टैक टॉप एलिमेंट का इस ओपनिंग ब्रैकेट पे और ये जो प्रेसिडेंस है इसको हम फॉल्स मानेंगे। ये कैसे आई कंडीशन? हम यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं कि ए प्रेसिडेंस ऑफ एनी ऑपरेटर, इफ इफ द फर्स्ट ऑपरेटर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस और सेकेंड वाला कोई भी ऑपरेटर है तो ये फॉल्स होगा। सिमिलरली एक रूल हम और बना रहे हैं कि कोई किसी भी ऑपरेटर का ओपनिंग पैरेंथेसिस पे जो प्रेसिडेंस होगा ये भी फॉल्स होगा। इसका मतलब पहले पोजिशन पे ओपनिंग आ जाए या सेकेंड पोजिशन पे ओपनिंग आ जाएगी फॉल्स होगा। एक और हम मान रहे हैं कंडीशन कि अगर ओपनिंग अगर कोई भी ऑपरेटर है इसका प्रेसिडेंस क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे ट्रू। तो ये तीन रूल्स के साथ हम अपने ऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं। तो हमने देखा कि प्लस का ओपनिंग पैरेंथेसिस पे प्रेसिडेंस फॉल्स है, हमने इसको स्टैक पे पुश कर लिया। नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, इसको मैंने पोस्टफिक्स में ऐड कर लिया। नेक्स्ट कैरेक्टर मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मुझे प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। स्टैक का टॉप एलिमेंट मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल और ये फॉल्स है। फॉल्स के केस में मुझे स्टैक पे पुश करना चाहिए। फिर मेरे पास सी है तो मैं इस सी को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देता हूँ। फिर डिविजन है, प्रेसिडेंस मुझे चेक करना पड़ेगा स्टैक टॉप एलिमेंट का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का डिविजन पे, जिसको मैं ट्रू कहूंगा। टू के केस में मैं स्टैक से पॉप करूंगा एक कैरेक्टर को और ऐड कर दूंगा। देन मेरे पास अभी प्रेसिडेंस ट्रू आया था, मुझे एक बार फिर से प्रेसिडेंस चेक करना पड़ेगा। स्टैक से ये मल्टीप्लिकेशन का साइन निकल चुका है तो प्रेसिडेंस मैंने चेक किया ओपनिंग जो कि स्टैक टॉप है और डिविजन जो मेरा सिंबल है ये फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में हम स्टैक पे सिंबल को पुश कर देते हैं, यही मेरा रूल है। तो मैंने इस डिविजन साइन को स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट सिंबल को पिक किया जो कि डी है, तो डी को मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूंगा। ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी एंड देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के रेस्पेक्ट में हम इसको ऑपरेटर मानते हुए प्रेसिडेंस को चेक करें। जब हमने प्रेसिडेंस को चेक किया तो डिविजन साइन स्टैक पे है और ये क्लोजिंग है। किसी भी ऑपरेटर का डिविजन सॉरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे ट्रू होता है प्रेसिडेंस। हम स्टैक से एक सिंबल को पॉप करेंगे जो कि डिवीजन है और इसको मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर दूँ। क्योंकि प्रेसिडेंस टू था, एक बार फिर से प्रेसिडेंस चेक किया जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग जो कि फॉल्स है। आप चेक कर सकते हैं कि चूंकि पहला ऑपरेटर ओपनिंग है इसलिए फॉल्स होगा। और यूजुअली फॉल्स के केस में हम सिंबल को स्टैक में पुश करते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल केस फॉल्स मानते हुए हम सिंबल को स्टैक पर पुश नहीं करेंगे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी हम स्टैक से एक सिंबल को रिमूव करेंगे और उस सिंबल को डिस्कार्ड कर दें। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टैक से रिमूव होगा और वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई भी पैरेंथेसिस नहीं होंगे, भले इनफिक्स में है लेकिन पोस्टफिक्स में है नहीं। तो पेयर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग जहां पे भी मुझे मिलेगा हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देन हमारे पास डॉलर सिंबल है लास्ट में, ये एंड ऑफ एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। तो एक्सप्रेशन से जो स्टैक से जो भी बचे हुए कैरेक्टर हैं उनको हम वन बाई वन पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। इस समय मेरे पास स्टैक में केवल एक प्लस कैरेक्टर है, उसको हम पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे और ये मेरा फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो आइए इसको हम
इंप्लीमेंट करते हैं कोड ब्लॉक्स पे। कोड ब्लॉक की स्क्रीन ये है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम डिजाइन किया था। इसमें मुझे थोड़ा सा प्रेसिडेंस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। तो प्रेसिडेंस फंक्शन में हमने मान लिया है कि सब हम ब्रैकेट वाले रूल्स को ही सबसे पहले करेंगे। तो अगर पहला वाला जो कैरेक्टर मेरा है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। फिर इसके बाद अगर दूसरा वाला भी अगर इसको एल्स में ले लेते हैं, और एल्स में अगर पहला वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर दूसरा वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। और पहला दो दूसरा दोनों अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस हो गया तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तीसरी कंडीशन ब्रैकेट के रेस्पेक्ट में है कि अगर सेकंड वाला जो ऑपरेटर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं, ट्रू रिटर्न करते हैं। जब हमने इन सारी कंडीशंस को इंक्लूड कर लिया तो देन इसके बाद जो हमने पहले कंडीशंस बनाए थे वो सारे ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम बाकी कंडीशंस को नेस्टेड इफ एल्स में बना देते हैं या फिर एल्स के कार पार्ट में इनक्लोज कर लेते हैं। ये सारा पार्ट जो हमने अभी तक लिखा है वो तो सारा का सारा एक नेस्टेड इफ एल्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने इसको इनक्लोज कर लिया। अब हम ब्रैकेट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रैकेट्स के लिए पेयर सभी रिक्वायर्ड है। ये इस एल्स का पार्ट हो गया और ये इस इफ का पार्ट हो गया। शायद मुझे एक और चाहिए होगा। मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ। ठीक है, मेरा कोई एरर नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में उस कंडीशन को इन्वॉल्व करता हूँ कि जहाँ पे हम फॉल्स के केस में डायरेक्टली पुश न करें, बल्कि ये चेक कर लें कि अगर फॉल्स है और सेकंड वाला जो ऑपरेटर है वो क्लोजिंग है तो उस केस में हमें पॉप नहीं करना, बल्कि स्टैक से ओपनिंग पैरेंथेसिस को पॉप करना है और उसको डिस्कार्ड। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फॉल्स के केस में डायरेक्टली आपको पुश नहीं करना है कैरेक्टर को, बल्कि आपको चेक करना है कि अगर सेकेंड वाला जो कैरेक्टर है वो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो मुझे स्टैक से पॉप करना है करेक्टर को, लेकिन इस पॉप किए गए करेक्टर को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब है कि इसको डिस्कार्ड कर देना। लेकिन ऐसा ना हो तो हम जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे और सिंबल को स्टैक पे पुश कर देंगे। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क सही कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक एरर है। ठीक OP2, ओके सॉरी। तो यहाँ पे OP2 नहीं बल्कि हम सिंबल, क्योंकि तो हम सिंबल के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी माइनस सी, और आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन का आंसर सही है। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ अंडर ब्रैकेट सी माइनस डी डिवीजन ई एंड डॉलर एफ। यू कैन चेक कि इस एक्सप्रेशन का भी जो इक्विवेलेंट है वो सही है। और इस तरह से आप किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसमें कि ब्रैकेट्स हों उसको भी आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पार्ट को कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करेंगे। और आई होप कि आप इस लेक्चर को देख के ही उस लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे,
और समझेंगे कि इन्फिक्स प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे होगा। थैंक यू।